अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत बाहर और बाहर तो वैसे रोज़ ही जाते हैं लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ दुबई थिंग्स कुछ शेयर करते हैं तो चलिए आप लोगों को मार्केट लेके चलते हैं शॉपिंग भी करेंगे थोड़ा बहुत और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे तो अभी हम आ हाँ चुके हैं डे टू डे में और आप लोगों से अंदर जाके मिलते हैं तो अभी हम आ चुके हैं शॉपिंग मॉल के अंदर और आप लोगों से शेयर करते हैं यहाँ की कुछ चीज़ें कुछ क्या मतलब सब कुछ ही मिल जाता है यहाँ पर और असल में ना डेकोरेशन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये देखिए मैं जब भी आती हूँ छोटी मोटी चीज़ें मैं उठाकर देखती हूँ मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं ख़रीद लेती हूँ और ये तो है सबसे अच्छी चीज़ जो हमारी लड़कियों के लिए मतलब एक, एक एट्रैक्शन की चीज़ें हैं हमें ये अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा तो मैं जब भी आती हूँ देख लेती हूँ तो इंसान ना अगर चीज़ें खरीदे या ना ख़रीदे फिर भी देखना तो बनता है अच्छा लगता है दिखने में और यहाँ पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में ऐसे घूम घूम के चीज़ें हम नहीं ख़रीदते वैसे ही हम मार्केट में जाते हैं या फिर दुकान में जाते हैं तो ऐसे ही बात करके हम पूछताछ करके लेते हैं और यहाँ पर तो सब कुछ लिखा होता है रेट वगैरह सब कुछ तो इसलिए हम घूम फिर के देख देख के ले सकते हैं अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं दुबई की चीज़ें आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करें आगे देख लेते हैं सब कुछ इतने सारे हिजाब कलेक्शन थे वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे थे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था हम जो लड़कियां हिजाब पहनते हैं ना उनके लिए ये दुपट्टा ही काफ़ी है मतलब कपड़े से ज़्यादा हमें इन चीज़ों पे इंटरेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे खूबसूरत दुपट्टा मिल जाए बस और कुछ नहीं चाहिए प्रिंट देखिए इसका कितना ख़ूबसूरत है और आपको यहाँ पर ना ऑल टाइप हिजाब ही मिल जाएंगे जैसे कि सीफोन में कॉटन में जॉर्जेट में हर तरह के हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देख सकते हैं और हर एक कपड़े की जो है ना खूबसूरती अलग अलग है देखिए ये कपड़ा कितना खूबसूरत है देखिए इसका प्रिंट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये जो सारे हिजाब कलेक्शन देख रहे हैं ना इसका प्राइस है ओनली टेन दिर हम हमारे इंडिया का हुआ टू हंड्रेड और ये जो बड़ा साइज़ का एक देख रहे हैं ना ये नमाज़ पढ़ने के लिए था बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ पर आपको कितने सारे इनर कैप मिल रहे हैं ये भी देखिए हम तो अगर इंडिया में इनर कैप वगैरह अगर मार्केट में ढूंढे तो नहीं मिलता हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो यहाँ पर देखिए सब कुछ एक साथ ही मिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत था ये एक ब्लैक कलर का जो मतलब ब्लैक अबाया के साथ पहनते हैं ना वो वाला और जी यहाँ पर हम विंटर के कपड़े वगैरह देख रहे थे बहुत सारे कलेक्शन थे हम वैसे ही देख रहे थे असल में हमने ना सब कुछ खरीदा हुआ है पहले से ही तो मैं बस वीडियो बना रही थी और ये जो देखिए ये टावल जो है ना बस दस या बीस दिरहम के दरमियान ही आपको सब कुछ मिलेगा ये मार्केट इसलिए भी अच्छा लगता है कि यहाँ पर सारे प्राइस जो होते हैं ना मुनासिब होते हैं ये सूज़ देखे बच्चों की कितने खूबसूरत है और हर चीज़ ना आप देख देख के एक एक चीज़ चूज़ करके अच्छे से ले सकते हैं और ये है जी दीवार के वाल पेपर वगैरह और यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह रखे हुए थे और यार इस मार्केट में ना बहुत ही ज़्यादा क्राउड होती है मेरे फ़ोन में भी कैप्चर हुआ था लेकिन मैंने एडिट करके ना सारे मतलब कट कर दिए हैं नहीं तो आप लोगों को देखने को मिलता बहुत ही ज़्यादा क्राउड थी मैं तो बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना रही थी खैर जो भी है ये चीज़ें देखिए कितनी खूबसूरत है मैं दूर से देख रही थी इसको और यार ये जो चीज़ें हैं ना ये अगर आप डाइनिंग टेबल पर सामने रख दो बस कितना खूबसूरत लगेगा ना ये देखिए ये जग कितने खूबसूरत है यार आप लोग बस देखिए और सामने देखिए कितनी खूबसूरत फूल के डेकोरेशन वगैरह ये बस अपने मकान पे लगा दो साइड में सीढ़ी के साइड में कितना अच्छा लगता है ना बस ये सब मैं माइंड में सोच रही थी लेकिन लेने का इरादा अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी अ, मतलब हूँ तो अपने मुल्क में नहीं इस वजह से अभी नहीं, नहीं, नहीं लिया मैंने खैर जो भी है आप लोग इन्जॉय करें वीडियो को अभी अपना आवाज़ मैं ना बंद कर दी हूँ आप लोग वीडियो इन्जॉय की बात क्या ही करूँ मैं कितना खूबसूरत है आप खुद ही देखिए ये टोपरी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था दिल चाह रहा था कि सब ले लूँ लेकिन सब ले तो नहीं सकती ना फिर भी चलो देख तो सकती हूँ वही देख रही थी आप लोग भी देखिए मेरे साथ साथ और मतलब क्या बताऊँ यार ये सब चीज़ें ना कभी भी आँखों से नहीं देखा बस यू में आकर ही देख रही हूँ सब कुछ मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ तो बस आप लोग भी देखिए और ये देखिए मेरा हस्बैंड ये लेके आया था कह रहा था कि ये देखिए कितना खूबसूरत है अंदर कैसे पानी जो है ना आराम से हिल रहा है जैसे लग रहा है कि समंदर का जो लहर होता है ना वैसा लग रहा है और यार ये सब चीज़ें मैं सामने से देख रही थी ना इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखिए इस कैमल को मैं चला रही थी वैसे तो मेरे पास कोई काम नहीं था ना बस ऐसे ही घूम फिर रही थी देख रही थी कुछ ना कुछ तो करना होगा ना तो इसलिए यही सारी चीज़ें कर रही थी और मेरा हस्बैंड तो बस ये सारी चीज़ें लेके था था बस देख रहा था, कैसे पानी इधर से उधर जा रहा है और मुझे भी कह रहा था कि वीडियो में सारे दिखाओ तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं और नहीं सच में यार ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना कैसे पानी गिर रहा है नीचे और ये भी एक ये किसे मतलब अगर हस्बैंड वाइफ को या फिर गर्लफ्रेंड को कोई बॉयफ्रेंड गिफ्ट देना चाहे तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है ना बहुत अच्छा लग रहा था आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कलेक्शन थे बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं बहुत ही चीज़ें हैं यहाँ पर तो और बहुत अच्छा भी है और ये सारे जो इर रिंग्स हैं ना इसका रेट थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा क्योंकि ये बारह दिन करके हैं लेकिन चीज़ भी अच्छी है मतलब इसका मेटेरियल जो है ना बहुत ही अच्छा है और मेरी जो बहनें बड़े बड़े एयर वगैरह पहनती हैं ना उनको अगर यहाँ पर लेकर आए तो वो सारे ही उठा के ले जाएंगी क्योंकि बहुत ही अच्छा था और ये सारे जो हिजाब पिंस वगैरह सब कुछ और ये गिफ्ट गिफ्ट देने के लिए जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं क्यूट सा छोटू सा बस वो सारे यहाँ पर कलेक्शन थे और यहाँ पर है जी शादियों में पहनने के लिए खूबसूरत से हार वगैरह आप लोग भी देखिए और ये स्टोन से घिरा हुआ शानदार सा चीज़ ये पता है क्या है ये एक मिरर है इसे ओपन करने से दोनों तरफ मिरर निकलते हैं और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है दिल देख के खुश हो जाएगा क्योंकि स्टोन इतने खूबसूरत तरीके से चमक रहा था ना और ये लिपस्टिक जो देख रहे हैं ना ये बिल्कुल स्किन कलर है यहाँ के लिपस्टिक भी बहुत ही अच्छा होता है कलर देखिए कितना खूबसूरत है मैं जब फर्स्ट आई थी ना तो मैंने यहाँ से लिपस्टिक दो तीन लिए थे तो इसे मैंने यूज़ भी किया है बहुत ही अच्छा है क्वालिटीज़ का और ये सारी चीज़ें नेल्स वगैरह जो फॉल्स नेल्स होते हैं ये तो हमारे मतलब हम यूज़ नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों से हम दूर हैं खैर जो भी है और यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है बहुत ही बड़ा मार्केट है इसलिए इतनी बड़ी वीडियो बन गई मेरी तो चलो अब बस बाहर निकलने ही वाले हैं बाकी कुछ और दो एक चीज़ें हैं आप लोग देख भी लें और ये सारे थिंग्स कितने अच्छे लग रहे थे ये देखिए ये दीवार पे लगाने के लिए है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसमें ना सारे सूरत वगैरह लिखे हुए हैं जैसे कि चार कुल फिर नीचे वाले जो सारे थे उसमें अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी मतलब लिखे हुए थे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और एक ये था एप्पल के शेप पर यह भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसी के साइड में ना ये छोटे छोटे भी थे ये आप किसी को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं अगर मुल्क पर जा रहे हैं तो और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लिप ऐड कर दिया है जब मैं पहले आई थी ना तो मैंने ये खरीदा था अभी भी मेरे दीवार पर है बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में फिर हमने एक दो चीज़ें ली थी जैसे मैंने फाउंडेशन वगैरह ये सब लिए थे तो उसका बिल पे किया फिर हम निकल पड़े बाहर और हमें और एक मार्केट में जाना था यहाँ पर तो ये सारी डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें मिलती है और जिस मार्केट में हम अभी जा रहे हैं वहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं तो पहले हम मार्केट से वेजिटेबल्स वगैरह ले लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं और वो जो सामने देख रहे हैं ना यही ही है गल्फ मार्केट ये बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ से आपको हर तरह के वेजिटेबल्स वगैरह घर के सामान सब कुछ मिल जाते हैं और इसकी भी वीडियो मैंने बना के रखी है आप चाहे तो देख सकते हैं तो जी फाइनली हमने मार्केटिंग वगैरह कर लिया है घर के सारे सामान भी ले लिए हैं और अब हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं टैक्सी का तो पास में ही खड़ी हुई थी आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ ये है यूएई रसेल रसल खैमा का एक कॉलेज और ये मैं नहीं जानती थी मेरे हस्बैंड ही दिखा रहे थे तो इसलिए मैंने वीडियो में कैप्चर किया और इसी के पास में देखे प्ले ग्राउंड भी है तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़